नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजदा हुसैन और एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के मनपसंद कार्यक्रम सुनहरी यादों के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सफर में हम उस सुनहरे दौर की यादों को ताजा करते हैं जिसकी मिठास आज भी हमारे रूह को सुकून दे जाती है। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी अदाकारा की जिसने बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती और मनमोहक अदाओं के जरिए वो मुकाम बनाया जिसे छू पाना आज भी किसी के लिए नामुमकिन है। इन्होंने न सिर्फ फिल्मों बल्कि टेलीविजन और स्टेज शो पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ी है। हम बात कर रहे हैं अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री पूनम ढिल्लों की। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर में हुआ था। उनके पिता भारतीय वायुसेना के विमान अभियंता थे। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई चंडीगढ़ में हुई, वहीं बचपन से ही वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा है। अभिनेत्री बनने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, वो तो डॉक्टर बनकर समाज सेवा करना चाहती थी। शायद इसीलिए वो पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा समय बिताती थी, लेकिन उनके इस सपने पर तब पानी फिर गया जब उनके भाई ने डॉक्टर बनने की जगह कुछ और करने के लिए दबाव बना दिया। भाई की बात को मानकर उन्होंने डॉक्टरी की जगह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी करने का मन बना लिया और सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता। कुछ ऐसा ही हुआ पूनम ढिल्लों के साथ। पूनम ढिल्लों का ये सपना भी कुछ ही दिनों में चकनाचूर हो गया। आई 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 तेरी याद आई।
आखिर पूनम ढिल्लो की जिंदगी में वो कौन सा मोड़ आया जिसने पूनम की जिंदगी की दिशा और दशा दोनों ही बदल कर रख दी, आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा।